उसी को आज हम आगे प्रोसिड करेंगे सबसे so, पहले हम बात करेंगे इस टाइम पीरियड के नॉवलिस्ट और ड्रामेटिस्ट जी बी शॉ के बारे में जी बी शॉ जिनका फुल नेम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इनका जो टाइम स्पेन है की बात करें तो 1856 तो 1950 हैं। और आपको पता है ओके है है, okay, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि उन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर कब मिला तो वो नाइनटीन के अंदर मिला ओके okay, ये किस सीरीज के लिए फेमस थे इज रोल इन रिवोल्यूशन कॉमेडिक ड्रामा के लिए ओके okay. उनका जो वर्क हुआ करता था वो बहुत ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट वाज कॉमेडिक एज वेल एज क्लेवर है ना तो क्लेवर कॉमेडी यूज करते थे अपने ऑडियंस को हमेशा एंगेज रखते थे किस वे में इंटेलेक्चुअली एंड प्रोवाइड स्टिमुलेटिंग डायलॉग एंड प्लॉट लाइंस ओके अब इनसे क्वेश्चन की बात करेंगे वर्क सो यू कैन सी विडोर्स हाउसेस मैन एंड सुपरमैन वॉरेंस प्रोफेशन आर्म्स इन द मैन कैंडिडा यू नेवर कैन टेल द डेविस्ट डिसाइपल सीजन एन थोपेट्रा दिस वन इज इम्पॉर्टेंट पिग मैलिन द मैन ऑफ डेस्टिनी मेजर मेजर बाबरा हार्ट ब्रेक हाउस द एपल कार्ड जॉन बुल सदर हाउस सो दीज आर इम्पोर्टेंट इसमें से और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब जिनके बारे में आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख सकते हो वो ये सब है जिनको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ दॉवलिस्ट okay. uh, we'll तो हम बात करते हैं किपलिंग की जिनका बहुत ही फेमस राइटिंग है द जंगल बुक आपने सुना होगा मोगली वाला सो दैट इज हिज लाइफ स्पेनिज एटीनटीन थर्टी सिक्स Uh, or back important work kibat kim barrack room ballads, departmental dgs the seven seas the five nations tales from the hills soldier three lives handicap the phantom rickshaw many inventions the days work just so stories following children reward and fairies debits and credits okay so this one is uh, very easy to learn and uh, rest or also you need to go through ओके देन वी हैव डब्ल्यू बी नाम आपने सुना होगा इनका इन, ये भी मॉडर्न एज के पोएट है और इनका टाइम स्पेन है 1865 टू 1939 इन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था 1923 में तो ध्यान रखना पहले इन्हें मिला था ओके okay. उसके बाद जे बी शॉक को मिला था एट द हॉक्स वेल इनका जो पहला ड्रामा इन्होंने परफॉर्म किया था वो यहाँ पे इसके लिए किया था 1916 में Uh, or Baki Ke work kare ki to the land of heart's desire, the Countess Kathleen, the Shadow Waters, the hourglass, the resurrection, the king's threshold, well strand, the cat and the moon, idea of good and evil discoveries, the wind among the reeds, the wandering of ocean, the tar, the winding stair, and other rooms. This one Byzantium, Lake Isle of industry these two are important, okay. सो दिस इज अबाउट डब्ल्यू बीच जो आपको याद रखने कुछ एक दो क्वेश्चन ठीक है Then in the queue we have PSL8, uh, famous, और जिनकी राइटिंग आपने डेफिनेटली पढ़ी होगी इन्हें नोवेल प्राइज मिला था नाइनटीन फोर्टी एट के अंदर इनका टाइम स्पेंड है सॉरी इनका जो पहली बुक थी बुक ऑफ कॉम

points of of view the 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 idea of Christian society after strange Girls, the rock and the family union okay underline तो please थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा इसके बाद हम बात करेंगे Samuel Beckett, uh, Samuel Beckett, 1906 से लेके 1989 है ये Irish

नहीं पसंद था इस प्ले शो द एक्शन अपने प्लेज में वो ह्यूमन एक्शन का मीनिंगलेसनेस दिखाते हैं है इंसान की अपने प्ले के थ्रू uh, तो वेटिंग फॉर गोदो आपने यदि पढ़ा हो और नहीं तो एक बार जरूर उसका वीडियो आप ऑनलाइन यूट्यूब पे देख सकते हो वो सैम बेके का है जिसके अंदर वो थिएटर ऑफ अब्जर्व तो और स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस टेक्निक को यूज करते हैं और जहां पर वो जैसा कि हमने बताया ह्यूमन मीनिंगलेसनेस ऑफ ह्यूमन एक्शन को शो करते हैं ओके सो हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स आर ऑल दैट फॉल कम एंड गो ड्रीम ऑफ फेयर टू मिडलिंग विमेन एज ओ एंड गेम फिल्म हैप्पी डेज लास्ट डाइस मोलो दिस वन इज इंपॉर्टेंट

यहाँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एक तो एब्जर्ड थिएटर का क्योंकि पिंचर के जो ड्रामा था एब्जर्ड थिएटर मैंने पहले भी डिस्कस किया है लास्ट वाली वीडियो के अंदर तो प्रिंटर्स ड्रामा वॉज फर्स्ट परसिव एज अ वेरिएशन ऑफ एब्जर्ड थिएटर बट हैज लेटर मोर एप्ली बीन कैक्टराइज एज कॉमेडी ऑफ मेनान्स ओके कॉमेडी ऑफ मेनान्स क्या होता है जहां पे द राइटर अलाउज अस टू प्ले ऑफ डॉमिनेशन एंड सब हिडन इन द मोस्ट मंडेन ऑफ कन्वर्सेशन बातों बातों में राइटर जो है वो हमें एज एन ऑडियंस पता करवा देता है कि क्या होने वाला है ठीक है तो दैट इज कॉल ऑब्जर्व थिएटर प्रिंटर्स स्टाइल हैरल प्रिंटर की है ये मैग्निफिशन यूज ऑफ लैंग्वेज दस हिस्स स्टाइल ऑफ राइटिंग वॉज नेम्ड आफ्टर हिम आप कहोगे दट क्रिएट डायलॉग्सू डे स्पीच डे टू डे स्पीच में हमारा जो सेंटेंस है वो बहुत ज्यादा जमा हुआ नहीं होता है लेकिन हम कुछ Uh, फैला हुआ सा या फिर बिखरा हुआ सा सेंटेंस यूज़ करते हैं लाइक like, कब आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ध्यान नहीं देते हो तो सेम वैसा ही स्टाइल uh, जो है उसको स्टाइल कहा गया है इनका जो पहला पब्लिश uh, किया था इन्होंने वो था द रूम 1957 में द बर्थडे पार्टी दैट इज आल्सो वेरी फेमस 1958 फिफ्टी एट द वेट द लव द होम No Man's Land, Mountain Language, Moonlight, Ashes to Ashes, Celebration, The Servant, The Quiller Memorandum, The Go Between, The Last Icon, The Comfort of Strangers, and War. These writings of uh, Harold Printer. This is the first James Joyce's Joyce time period, hai 1882 to 1941. He is known for his experimental use of language. एंड द एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू लिट्रेरी मैथड लैंग्वेज का एक्सपेरिमेंटल यूज करना और नई नई लिटरेरी मैथड्स को एक्सप्लोर करना इंटीरियर मॉडल ऑफ यूज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सिम्बेिकाराल इनवेंटेड वर्ड्स पर्न एंड एल्यूजन इन हिस्स नॉवल अपनी नॉवल के अंदर वो नई नई वर्ड्स नए वर्ड्स नए पर्न नए एल्यूजन यूज करता था मतलब अलग अलग बुक्स एल्यूजन लेते थे एंड इंटीरियर मोनोलॉग्स के अंदर भी उन्होंने uh, उनके फेमस वर्क ये है आपके सामने जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिस्ट एज अंग जेम्स जॉयस वी है सुना होगा आपने वेरी रिसेंट ऑल ऑफ लॉरेंस नॉवल्स आर रिटर्न इन लिर सेंस Often a uh, rhapsodic prose style. He has an extraordinary ability to convey a sense of specific time and place, and his writings often reflected his complex personality. In his work, in the stories, poems, and essays Suns and Lovers, Women in Love, Lady Chaturl's Lover, The Rainbow, The White peacock, Kangaroo, and The Plumed Serpent. तो दो तीन तो जानवरों के ही नाम है आप इनको इजीली लर्न कर सकते हो ओके देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट वर्जीनिया वुल्फ 1882 टू 1941 का टाइम स्पैन है इनका एंड शी कंटिन्यूड द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक ऑफ राइटिंग ठीक है जो कि हमने पढ़ा था पहले इसके अलावा फिर शी रिवील्ड द हिडन इनर लाइफ ऑफ हर कैरेक्टर्स उनके कैरेक्टर्स की इनर लाइफ को उन्होंने आ, बाहर निकालो अपनी राइटिंग में शी रेज द क्वेश्चन ऑफ वाई वुमेन केन नॉट बी इंडिपेंडेंट ठीक है एंड यानी कि वो फैमिली थी मेन थीम ऑफ वर्जीनिया वुल्फ वॉज एम्बिशन सक्सेस एंड फेलियर ओके द वॉय आउट जैकोब्रो रूम मिसेस डेलोवे टू द लाइट हाउस वेरी इंपॉर्टेंट जिसके अंदर उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस टेक्निक को भर भर के यूज किया है द वेव्स फ्लश ऑर्लैंडो जो की बायोग्राफी है द कॉमन रीडर रोजर फ्राई द डेथ ऑफ मॉट अ रूम ओन वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन द एक्स बिटवीन द एक्स जो है वो अनफिनिश ही रह गई है तो इस तरह से बचे नहीं क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से एंड देन लास्ट इज ऑस्कर वाइल्डी फिफ्टी फोर टू नाइनटीन हंड्रेड का टाइम प्लेस है इनका कॉमेडी ऑफ मैनस जो है जो की रेस्टोरेशन एज का कॉमेडी uh, है उसको इन्होंने आगे कैरी फॉरवर्ड किया या कह सकते हो रिवाइव किया कॉमेडी ऑफ मैनर्स को ओके बेसिकली कॉमेडी ऑफ मैनर्स एक तरह की सटारिकल कॉमेडी होती है ओके okay. uh, जो कि क्वेश्चन करती है uh, या कमेंट करती है मैनर्स एंड सोशल कन्वेंशन ऑफ अ ग्रेटली सोफिस्टिकेटेड आर्टिफिशियल सोसाइटी के ऊपर ठीक है मॉडर्न एर दिस को ये करते हैं, फिर से हमें याद दिलाते हैं जाने जाते हैं हिस्स स्टाइल इज फुल ऑफ पैराडॉक्स एंड वर्बल वे ओके सो दे padua the importance of being earnest ऑफ ideal husband The picture of Dorian Gray and the Happy Prince and the other tales are his important works. So, this was all about the writers and their writings. So, thank you so much for watching this video. In the next video, we'll be covering up the next topics. Goodbye.